स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरी अचानक शादी होगी, मुझे पता नहीं चला। आज ये मेरा पहला दिन है और हम लोग मायके जा रहे हैं और इतना भयंकर बारिश लगा है और ये देख सकते हैं आप कि किस प्रकार की बारिश हुई है। और मेरा सारा सामान मेरे पति ने पकड़ा है, मेरे को सिर्फ साइड बैग दे रखा है, तो मजे से जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं, ये देखो कहाँ छिप रहे हो, इधर देखो ये उतिया। तो क्या हो गया फिर, देखो कितना भयंकर बारिश हो रहा है। और हम लोग अभी सुबह के टाइम, अभी कितना बजा है, कितना बजा टाइम हो गया, 10, अभी 10 बज रखे हैं सुबह के। और अभी हम अपने मायके की ओर जा रहे हैं, अभी हम धारचूला से पहले कल परसों गांव की ओर आए थे और आज हम सीधे गांव से गांव को जा रहे हैं। बस मौसम बहुत खतरनाक है, पर एक ही प्रॉब्लम है ना, मायके तो जा रहे हैं लेकिन होगा क्या कि हम लोग जो बीच में घास होता है ना बहुत ज़्यादा, तो उसमें भीगने वाले हैं, तो पता नहीं वहाँ जाने तक तो भीगी बिल्ली बनने वाले हैं हम दोनों। क्यों बनने वाले हैं, ये देखिए, ये है दुगू, ये मेरा गांव है ससुराल। और हम लोग कभी कभी यहाँ गांव में काम करने के लिए आते हैं। और ये देखिए इतना भयंकर चट्टान है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और अभी आपको बताएंगे कि हम लोग हमारा गांव का रास्ता कैसा है, बोलते ऊपर नहर से जाते हैं हम लोग सीधा तिरछा। किधर है, किधर है, अभी दिखाएंगे। ये देखिए मैं अभी अपने पति से मिलाऊंगी आपको, ये है उट्टू। हाय। और बहुत मजे से आ रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ना, मैं तो खुश हूँ मायके जा रही करके, लेकिन मुझे कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे ज्यादा खुश है मायके जाने के लिए। मैं पागल हूँ ना। तो ये देखिए अब ये है नहर, हम लोग यहीं से जाएंगे और ये पूरे नहरी नहर जाएंगे अभी। और ये अभी ठीक से बनानी है, यहाँ पे पूरा मतलब पानी जाता है, बाद में जब बन जाएगा इसमें पानी जाएगा। और ये अभी तो ऐसा हो रखा है। अरे ओ मोनालिसा, नजारा दिखाएंगे यहाँ पे, कितना भयंकर है आप वो देख सकते हैं। वहाँ पे सीधे नीचे डैम दिख रहा है छिरकिला का, और ये नहर है जहाँ से हम लोग अभी मायके जा रहे हैं। और ऐसे ही रास्ता है पूरे रास्ते पर। और अभी वो देखिए डैम कितना भयंकर हो रखा है। और दोस्तों ये देखिए जो आपको डैम दिख रहा है, और डैम के सिदाय में जो जहाँ पे कोहरा लगा वहाँ से एक तिरछा रोड है, वहाँ पांगो नारायण आश्रम जाने वाला, वहीं आश्रम भी पड़ता है। और ये देखिए ये उट्टू है, उट्टू महाराज, क्या हुआ? वो देखिए कितने मजे से, कितने खुश हैं मायके जाने के लिए, हाँ बहुत खुश हो रहे हैं। और अभी हम लोग जाएंगे, बस अभी हम दो ही लोग हैं और अभी हमारे साथ मामा और बुआ जी लोग भी आने वाले हैं, वो लोग हमारे इंतजार में दुकान पे बैठे होंगे, अभी आपको उनसे भी मिलाएंगे। तो मैं आज अपनी लाइफ की बहुत भयंकर बोला राज की एक बात बताऊंगी आपको, और आप जरूर उसको सुन के मतलब कि खुश भी होंगे और हंसोगे भी और मतलब सही लगेगा। दोस्तों मतलब मेरा, हम दोनों की पहचान वहाँ पे फेसबुक में हुआ था सन 2020 जब कोरोना चल रहा था और लॉकडाउन के टाइम, तो फिर हम लोग फेसबुक में मिले और वहीं पे मैसेज हुआ और थोड़ा थोड़ा बात हुआ और
तब जाके उसी टाइम उटू देहरादून से गांव की ओर आए और तब हमारा मतलब कि यही मुलाकात हुआ समझो, और फिर बात भी हुई मैसेज में। तो ऐसे ही करते करते एक दूसरे को अच्छा मानने लगे और उसके बाद हम लोगों का मतलब प्यार जो है सक्सेसफुल हुआ और हम लोगों ने शादी भी कर ली दोस्तों। बहुत तेज हो रहा है तो। और दोस्तों हम बस हमेशा यही चाहेंगे कि हमारा जो रिश्ता है वो ऐसे ही बने रहे और आगे हमेशा हम लोग अब साथ में वीडियो बनाएंगे, मतलब कि साथ में ब्लॉग बनाएंगे अब। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और सपोर्ट करना, और क्योंकि आप लोगों के बिना तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। और वैसे तो और मैं यही चाहूंगी कि जिस प्रकार से हमारा प्यार सक्सेसफुल हुआ उसी प्रकार हर किसी को अपनी लाइफ की मतलब पसंदीदा लड़की या लड़के से शादी हो जाए और किसी का दिल ना टूटे। दोस्तों एक लास्ट बात जो कि मतलब हम लोग एक दूसरे को अच्छा मानने लगे थे तो फिर उसके बाद शादी करनी थी, तो घर वालों को मनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप सबको पता है कि पहले लव मैरिज में हर किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो फिर हम लोगों ने हार नहीं मानी और हम लोगों ने अपने फैमिली वालों को मनाया और फिलहाल हम लोगों ने बस ऐसी ही शादी कर ली है। लेकिन शादी की पार्टी अभी एक दो महीने बाद होने वाली है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा जम्पू गांव है, अभी हम जम्पू गांव में पहुंचे हैं। अभी हमारे घर जाने में आधा घंटा लगेगा, अभी मायके जाने में आधे घंटे लगेंगे अभी, और अभी बारिश नहीं रुका है। दोस्तों ये देखिए हमारे मामा लोग और बुआ जी लोग आ रहे हैं। अब ये दो हैं मामा और बुआ जी, और ये सलीम धार पहुँच रखे हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे तो भयंकर बारिश हो रहा है और बारिश में ऐसी हालत और इस प्रकार से नहीं आ रहे थे अभी यहीं पे से वापस जा रहे थे बारिश की वजह से, लेकिन मैंने जिद करके इनको बुला लिया है। अब हम चार को चार जाएंगे। हम लोग मायके में पहुंच चुके हैं और मेरा परी कैसे करके मक्का निकाल के खा रहा है। ये देखो मेरा परी मक्का निकाल रहा है, ये देखो आप देख सकते हैं, ये देखिए। और बगल में कल्ली भी बैठी है, ये देखो, ये देखिए मेरा परी। आपको आता है ऐसे करके निकालना मक्का? देखो थोड़ी कितनी मजे से। और ये काली चौड़िया काली काली बेचारी खाली बैठी है क्योंकि परी हेला करती है उसको। और ये देखिए मेरा परी मक्के खा रहा है, और देखो हाथ से फिसल रहा है, तो देखो एक हाथ से कैसे थाम रखा उसने मक्के का। ये देखो, और ये देखिए हम भी मक्का खा रहे हैं, ये मैं भी मक्का खा रही हूँ। अभी देखो ये मंदिर, मम्मी ने क्या क्या चढ़ा रखा है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे आग सेकने वाला वो भुखारी हमारा, और यहाँ पे इतने मजे से आग सेक रहे हैं हम लोग, ये पूरा भुखारी है। और ये किचन, और ऊपर से गैस में चावल चढ़ा रखा है, और अभी टाइगर भी आ गया। टाइगर ले टाइगर आ, ये देखो मेरे दोस्त सारे आ चुके हैं। दोस्तों ये मेरे दोस्त लोग आ चुके हैं, इनको इनकी काफी याद आ रही थी मेरे को। आज ये कई 17-18 दिन बाद हमको मिले हैं। अभी तक परी का मक्का खत्म, ओ बाप रे परी ने मक्का खत्म कर दिया। बस अब मैं बोल बोल कर ये खा खा के थक चुकी हूँ, तो अब मैं नहीं बोलूंगी, दूसरे वीडियो में मिलती हूँ। ला 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 ला। खा रहे हो? नहीं खा रहा। मक्का खाओगे? वैसे भी कौन दे रहा है आपको जो खाओगे? मैंने खा लिया ये, देखो मेरे पास इतना बड़ा मक्का है और इसको हम खाएंगे। हम लोग मार्केट में पहुंच चुके हैं, देखो कितने मजे ले रहे हैं दोस्तों। इतने बड़े बड़े मक्के पोल के रखे हैं मम्मी पापा लोगों ने, और दूसरा भी चाहिए तो ये है। अब इतना नहीं खा पाएंगे हम एक साथ, इसलिए अभी इसको यहाँ रख देते हैं। और ये देखिए परी आ जाए, देखो मेरा परी भी खाएगा साथ में मक्का। ले बेटी इधर आ, देखो अब देखना परी का स्टाइल, परी जहाँ मक्का रखो वहाँ पे खाएगा। ले बेटी ये देखो परी, ये देखो ले बेटी, ये बेटी ये देखो परी जहाँ जहाँ हम रखेंगे वहाँ वहाँ खाएगा परी। ले बेटी ले बेटी ले बेटी। हेलो दोस्तों, आज हम मायके से आ चुके हैं और ये देखिए हम मायके से क्या क्या लेके आ रखे हैं। इसमें मक्का है, ककड़ी है, और इतना ज़्यादा बोझ है, और मेरे पापा लोग
पहुंचाने भी आए थे। और ये देखिए मैं फूल भी लेके आई हूँ, छोटे छोटे पौधे जो घर में जाके आऊंगी। और ये देखिए हम लोग रास्ते में हैं। और ये देखिए टीका टीका दिखा दिखा ये देखिए दोस्तों मायके जाने का इतना फायदा होता है, और टीका में टीका लगाया जाता है बिल्कुल। अभी तो मतलब बहुत ही मजा आया मायके में हम लोगों को। पर हम लोग बस एक दिन बैठे, ज्यादा नहीं बैठ पाए, लेकिन अब और जाएंगे हम लोग जब हमारी पार्टी वाली शादी हो जाएगी, तब जाके हम लोग लगातार आना जाना हो जाएगा हमारा। तो फिर अभी भी जा ही रहे हैं। ये देखिए दोस्तों अभी हम लोग जमकू गांव में पहुंच रखे हैं, और अभी हमें तो बहुत दूर जाना है दुगु, जहाँ मेरा घर है। और ये देखिए रोड बहुत ख़राब है, और यहाँ के लोग कुछ बोल नहीं रहे ना दोस्तों, तो फिर ये रोड ऐसी का ऐसी पड़ा है, अगर कुछ करते तो बन भी जाता। अभी पता नहीं कितने महीने लगेंगे ये रोड बनने में। हम लोग नहर में पहुंच चुके हैं, और ये देखिए मैंने यहाँ पे सर पे पल्लू वल्लू रखा है, क्योंकि मेरे को रास्ते में मेरे ससुर जी लोग और मेरे जेठ जी लोग मिल रहे हैं। तो फिर यहाँ हमारे गांव में एक नियम होता है कि हम लोग दुपट्टा सर में डालते हैं, तो फिर जैसे कि मैंने डाला था लेकिन अभी वो गिर गया है। अब अभी कोई रास्ते में मिलेंगे तो डालना पड़ेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं आप इतना भयंकर, ये देखिए आम कहाँ से आए हो, देखिए पीछे मेरे पीछे इतना भयंकर नहर दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मेरे आगे से कौन जा रहे हैं, ये देखो उट्टू महाराज जा रहे हैं आगे से, और मैं तो सिर्फ एक साइड बैग और एक पन्नी ले रखा है, और सारा बोझ खुद ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि मायके से मम्मी लोगों ने बहुत कुछ पास दिया था बैग में, तो फिर मैं तो नहीं ले पा रही थी, ले तो पा रही थी लेकिन नहीं लेने दिया ना उट्टू ने। ये देखिए इतना भयंकर नहर, और ये देख सकते हैं हम लोग कितना भयंकर तरीके से जाते हैं, क्योंकि यहाँ अभी रोड नहीं आ रखे हैं, और यहाँ कभी कभार पत्थर भी गिरता है। ये देखिए अब हम हल्के 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 से उट्टू के पास जाएंगे। और उट्टू कैसा लगा फिर आपको मायके में, पहले बताइए। मस्त मजा है, और जाते हैं जब। और जाते हैं, कैसे जाएंगे यार, और जाएंगे, कब जाओगे? मैं तो घर जाती हूँ बोलती, लेकिन उट्टू को तो घर आने का मन ही नहीं कर रहा, बोला मेरे को बुखार आ गया, मैं कल परसों आऊँगा। मैंने बोला शर्म कर देंगे मायके वाले, चलो चलो घर। तो फिर आ गए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारे यहाँ इतना भयंकर रास्ता है, ये पूरा नहर है, आप देख सकते हैं अच्छे से किस प्रकार से उट्टू लोग भी जा रहे हैं वहाँ। और आपको इसके सामने ये देखिए इतना भयंकर चट्टान है, और ये देखिए नीचे इतना खाई है, ये देखिए, और इसके सामने वो देखिए झरना भी, और आप देख सकते हैं ऊपर कितना भयंकर है। ये देखिए यहाँ से पत्थर गिरते भी हैं, और इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं रुकेंगे यहाँ पे। और उट्टू भी मुझे डांट रहे हैं, जल्दी आ जा बोल रहे हैं, तो मैं अब जाऊंगी। अब हुआ, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इतना भयंकर खाई, आप देख सकते हैं, ये देखिए इतना भयंकर खाई है यहाँ पे, इतना भयंकर डरावना। और थोड़ा कैमरा धुंधला आ रहा है मेरा, जो साफ दिखाई दे रहा है। और नीचे देख सकते हैं आप लोग नदी कितना दूर है, और ये रास्ता देखिए हम लोग ऐसे चलते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं अभी बहुत ही कम दिन हो रखे हैं यहाँ आए हुए और शादी किए हुए, तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं हमेशा ये साइड से जाती हूँ, किनारे से जाती हूँ। चलो चलो पत्थर आएगा बाद में। ये देखो किस प्रकार से जाना पड़ता है, ये देखिए आप देख सकते हैं कैसे जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत डरावना है। मुझे तो बहुत डर लगता है वैसे भी यहाँ पे, देखिए दोस्तों मुझे तो बहुत डर लगता है ये पीछे, ये देखिए बाप रे, इस नहर से आने में मुझे बहुत डर लगता है। और मैं क्योंकि मुझे पता ही होगा आपको हमेशा यहीं से चलना है, तो फिर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ यहाँ लगातार, यहाँ आते जाते रहती हूँ। और ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए उट्टू यहाँ से गए, लेकिन मैं जा रही हूँ इस वाले रास्ते से, ये देख सकते हैं आप लोग, मैं इस रास्ते जाऊँगी क्योंकि मुझे वहाँ से साइड से डर लगता है। हेलो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगी दोस्तों, अब मैं घर जा रही हूँ, और ये देखिए आपको वो दिख रहा होगा नीला पेंटिंग वाला, तो वो मेरा घर दिखने लग गया, और अब आप वहीं जाएंगे। तो देखिए दोस्तों कितना भयंकर डरावना नहर है, और मुझे बहुत डर भी लग रहा है, यहाँ पे आराम से चलूंगी मैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए हम जा रहे हैं अभी, अब हमें 5-10 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे दोस्तों।
जोर जोर से। लेकिन दोस्तों ये जो वीडियो बना रखा है मैंने वो अभी मैं मतलब क्या बोलते हैं नहीं डाल पाऊंगी नेट पे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम भी है। हमारी BSNL का नेटवर्क है यहाँ, लेकिन ढंग से नहीं चलता है यहाँ ठीक ठाक। और ये देखिए कितना भयंकर रास्ता है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।